हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त। स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में, जहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की और उनके सॉल्यूशंस की। साथ ही मैं भी अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ इस चैनल पे शेयर करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि मिसकैरेज क्यों होता है, कैसे होता है। आज मैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टिप आपको बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मिसकैरेज होते हैं, और अगर आप ये 5 टिप फॉलो करेंगे तो पॉसिबली आप मिसकैरेज के चांसेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि एक सर्वे में आया है कि 80% मिसकैरेज सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही होते हैं, और आजकल के टाइम में जहाँ की इनफर्टिलिटी महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और अगर किसी ने भाग्यवश कंसीव कर लिया है तो किसी न किसी गलती से मिसकैरेज कर बैठती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने जा रही हूँ, साथ ही मैं अपनी भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था। मैंने क्या गलतियाँ की थी वो आप गलतियाँ ना दोहराएं, तो मैं इस वीडियो में उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगी। इसलिए वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। तो हमारी पहली टिप है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपकी जो खुशी होती है वो बहुत अनमोल होती है, ये मैं भी जानती हूँ जब आप फर्स्ट टाइम कंसीव करते हैं। लेकिन प्लीज़ अपनी इस खुशी का शोर मत मचाइए। आप सिर्फ उन्हीं को बताइए जो आपके बहुत बेहद शुभचिंतक हैं, जिनको आपकी इस खुशी से खुशी महसूस होती है, जो आपके बेहद करीबी हैं। अपनी इस खुशी के बारे में सिर्फ उन्हीं को बताइए, शोर मत मचाइए। शुरू के 3-4 मंथ तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका बेबी बम बढ़ता जाएगा, वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। मुझे ये बात पहले पता थी, बट मैंने कभी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं किया। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया तो मैंने सबको बता दिया, और धीरे धीरे ये बात बहुत दूर तक फैल गई। और जब मेरी 3 मंथ तक कंप्लीट होने वाले तो उसके 1 वीक पहले ही मेरा मिसकैरेज हो गया। तो इसलिए मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ अगर आप कंसीव करिए तो किसी को 3-4 मंथ तक बिल्कुल मत बताइए, सिर्फ अपने खास करीबियों को। सेकेंड टिप है कि जब आप कंसीव कर लें तो कोशिश करें कि फ़र्स्ट 3 मंथ आप अपने हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन मत बनाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिलेशन बनाने के बाद सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मिसकैरेज हो जाता है। क्योंकि वो जो बेबी जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक छोटा सा सरसों के दाने के समान एक होता है, वो आपके गर्भाशय में जाके चिपक जाता है। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान संबंध बनाने से वो अपनी जगह से हट जाता है, डिटैच हो जाता है, और कई बार इसी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए ये कोशिश करिए मत करिए, या फिर अपनी डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए, अगर वो आपको सलाह देती हैं तो आप करिए। बाकी 3 मंथ कोशिश करिए कि ऐसा कुछ मत करिए। 3 मंथ के बाद प्रेगनेंसी सेफ मोड में आ जाती है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड टिप है हमारी कि शुरू से ही हेल्दी खाना खाइए। क्योंकि मैंने सुना है कि शुरू में 3-4 मंथ कई महिलाओं को सुना है कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो हमारा बच्चा इतना बड़ा भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत छोटा सा है, अभी इसे क्या हेल्दी खाने की ज़रूरत है। ऐसा मत करिए। जब आपकी शुरुआत अच्छी होगी तभी आपका एंड अच्छा होगा। जब आप अंदर से मजबूत होंगी तभी आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएंगी। अगर आप कमज़ोर होंगी तो बच्चा भी कई बीमारियों के साथ ही पैदा होगा। तो इसलिए शुरू से ही बहुत हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, घर का ही खाइए। बच्चे का वेट बढ़ाने के हिसाब से खाना खाइए, अपना वेट बढ़ाने के लिए मत खाइए। जब बच्चे का वेट बढ़ेगा तो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी डाइट लेने की आपको ज़रूरत होती है। तो शुरू से ही अपनी डाइट बहुत अच्छी कर लीजिए। चौथी टिप हमारी ये है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं, शुरुआत है आपकी, अभी आपने कंसीव किया, तो आप अभी से ही लंबी जर्नी बंद कर दीजिए। शुरू के 3 मंथ कोई लंबी जर्नी मत करिए। एक गलती मैंने ये भी की थी, मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही, सेकंड वीक में ही, मैंने 10-12 आवर की मेरी लंबी जर्नी थी वो मैंने की, और मैंने अपने डॉक्टर को नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी। मुझे लगा डॉक्टर मेरी मना कर देंगी, इसलिए मैंने अपने डॉक्टर से उस बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, और शायद मेरे मिसकैरेज का ये भी एक रीज़न था। तो इसलिए कोई लंबी जर्नी मत करिए। जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाए तो आप जर्नी कर सकते हैं, फिर प्रेगनेंसी सेफ मोड में आ जाती है। और जो भी छोटी जर्नी करिए वो रूट ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आपके गड्ढे ना हो, जहाँ को कोई धचके ना लगे, नहीं वरना ये जो होती है जर्नी, ये अगर आपकी इस टाइप की होती है तो ये कई बार ब्लीडिंग को भी बढ़ावा देती है और मिसकैरेज भी हो जाता है।
पांचवी टिप हमारी ये है कि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है दादी नानी को अगर कई बार पीरियड्स अच्छे से नहीं आते हैं, रुक रुक के आते हैं, तो कई बार दादी नानी गर्म चीज़ों का काढ़ा बना के देती हैं कि इसको पीने से पीरियड्स ठीक से होने लगेंगे, अच्छे से हो जाएंगे, सब सफाई हो जाएगी। अब अगर यही गर्म चीज़ें आप अपनी प्रेगनेंसी में खाएंगे तो आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी गर्म चीज़ें जैसे कि जिंजर, अनियन, गार्लिक, आमंड्स, ये सब गर्म चीज़ें होती हैं, इन्हें कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। बाकी आप इस पर कई सारे वीडियो भी पढ़े हैं, कई फ्रूट भी ऐसे होते हैं, पपाया, पाइनएप्पल, ये सब भी प्रेगनेंसी में नहीं लिए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे वीडियोस पढ़े हैं, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में गर्म चीज़ें क्या है, ऐसी जो चीज़ें जो प्रेगनेंसी में नहीं खाई जाती है। तो ये थी हमारी 5 इंपॉर्टेंट टिप, इसमें से कुछ मेरी गलतियाँ भी थी जो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा नहीं था मुझे गाइड करने वाला, मैं अपने घर से, ससुराल से, मायके से दूर रहती थी बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड जॉब। तो मैंने अपनी जो गलतियों से सीखा है आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, जो गलतियाँ मैंने की आप वो ना करें, किसी को ऐसा फेस ना करना पड़े, इसलिए ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के बाद, तब तक बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड